ओम शांति। 25/4/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं उन सबको भूल, एक शिव बाबा को याद करो। श्रीमत पर चलो। क्वेश्चन है, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़ेगा? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है, साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब किताब चुक्त करती है, इसलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे सिर पर जो पापों का बोझ है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है, यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, वह ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि वह आते हैं, आकर के बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं, पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि कहते हैं, राम जपो। अब वह भी झूठ ही बताते हैं, ना खुद जानते हैं, ना उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर। आत्मा दूर से आकर के शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाती है, यह सब बातें मनुष्य के लिए ही समझाई जाती है। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं, कह देते हैं हमारे तुम्हारे सब में व्यापक हैं। उनको आर्फन कहते हैं, धनी को ना जानने वाला, माना धनी माना परमात्मा को ना जानने वाला, याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं है, हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वह निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है, यह आत्मा का शरीर है। आत्मा इस शरीर में रहती है, परंतु आत्मा को कोई भी मनुष्य जानते नहीं है, कह देते हैं ब्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, यह भी नहीं जानते, इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं, बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठीकर में भी भगवान है, तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हो? जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा वह ना ब्राह्मण बनेगा ना उनको धारणा होगी, वह ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, माना ज्ञान को जब धारण करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब ही मेरे साथ घर पहुंचेंगे।
नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्मा भटकती भी है, जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। कयामत के समय पापों का बोझ सिर पर बहुत है, सबको हिसाब किताब तो चुक्त करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं है, एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, क्योंकि तुम्हारे सिर के ऊपर पापों का बोझ बहुत है। मनुष्य कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं यह सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच नहीं सकते, कहते हैं फलाना पार निर्माण गया, परंतु यह बहुत गपोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने हम बच्चे धक्के खाते हैं। यह सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्य को गिरना ही है। बाप पढ़ाते हैं, रावण गिराते हैं, अब परमात्मा शिव समझाते हैं तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम पवित्र बन जाएंगे, और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब यह सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव-गांव में जाएंगे। यह है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है भविष्य के लिए। यह शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना सुख होता वहाँ पर। स्वर्ग में क्या होता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है, वहाँ नरक का नाम निशान नहीं होता। जैसे यहाँ पर कितने दुखी होते हैं इंसान, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। धरती भी उथल पुथल कर नहीं बन जाती है, यह मकान आदि सभी खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई, नीचे कोई जाती नहीं है, यह तो चक्कर चलता है। यह तीर्थ यात्राएं सब भक्ति मार्ग की हैं। तो भक्ति को क्या कहा गया, रात माना अज्ञानता माना। भक्ति का भी हमें पता नहीं है कैसे करनी है, कितनी करनी है, किसको याद करना है। 5-7 बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न दर्जे के लोग हैं, प्रदर्शनी में लिखते हैं बाबा कहते देखो कितने आते हैं, 5-7 हज़ार रोज आते हैं, फिर निकले कौन, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, लिखते हैं बाबा 3-4 निकले जो रोज आते हैं, कोई 7 रोज का कोर्स भी पूरा नहीं करते हैं, फिर आते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते देवी देवता, जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे, साधारण गरीब निकलते हैं। सौकार तो कोई मुश्किल ही ठहरते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिखते हैं, फिर भी चलते चलते माया खा जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे जितना याद करेंगे उतना तुम पतित से पावन बनते जाएंगे। तो परमात्मा हमें क्या कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है जीवन मुक्त पद पाना, पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है, सेंसिबल बन, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरा है बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, रहम दिल बन, अंधों को रास्ता दिखाना है, बाबा के सन्मुख सीधी मत ले, पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है।
वरदान है माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। बाबा कहते संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे कठपुतली का खेल है। आजकल कार्टून शो का फैशन है तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो व बाबा कहते शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको हम साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन है किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। ओम शांति।